टाइम हम लोगों ने किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, शायद ये सभी का हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत सिंपल है। आज हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग पढ़ेंगे पहला जो हमें कंटेंट आज डिस्कस करना है, डैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। ये चीज आप लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? क्योंकि बेटा आपको मालूम है कि जब एक बार मेगास्पोर मदर सेल बनेगा तो उसके बाद मियोसिस होनी है, और मियोसिस के बाद फिर जाकर के आपका बनता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर बनने के बाद वो फर्दर उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, एंड देन फाइनली देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है? एम आई राइट? इतना बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन को। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जा रहा हूँ। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे बेटा न्यूसिलस, ठीक है? न्यूसिलस का जो रीजन है, एट वेरी प्रिमेटिव स्टेज, एट वेरी प्रिमेटिव स्टेज और प्रिमोर्डियल स्टेज, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में प्रिमेटिव स्टेज में क्या होगा कि जो न्यूसिलस की सेल्स हैं उनको मैं बना लेता हूं इस तरीके से। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए न्यूसिलस की सेल्स बनाई हैं, ठीक है? न्यूसिलस वाला रीजन। अब न्यूसिलस के बाहर का रीजन क्या होगा थोड़ा सा आप इमेजिन करना। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे थे तो इंटेग्यूमेंट था, ठीक है? और यहां भी इंटेग्यूमेंट था, और फिर ये स्ट्रक्चर था। तो अभी वो सारी चीज़ें नहीं बनी है, अभी केवल यहाँ पर पेरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल है, और उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। कोई डाउट है किसी को? इस बात में कोई डाउट है तो बताइए भाई। अब मैंने ये कुछ सेल्स बना ली हैं, और इसके पैरेलल ही मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बना देता हूँ कि हम लोगों को ना ये बनाना है कि ये कैसे बना, फीमेल गैमेटोफाइट किस तरीके से बना है, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब इसके साइड वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये न्यूसिलस वाला रीजन है, ये न्यूसिलस वाला रीजन है, ठीक है? तो बेटे जो ये न्यूसिलस वाला रीजन होगा प्रीमोडियल स्टेज पे, ये तो बना ही नहीं है अभी। प्रीमोडियल स्टेज पे तो ये वाली चीज आपको अब्सेंट नजर आएगी, और यहां पर आपको मास ऑफ सेल नजर आएगा पूरा, और ये बाहर वाली चीज भी बन रही होगी, बाहर वाली भी बन रही है और अंदर वाली चीज भी बननी है। तो इसी को मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। तो आपके पास प्रीमोडियल स्टेज पे न्यूसिलस सेल है, तो न्यूसिलस की जो सेल्स आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए सारी न्यूसिलस की सेल्स है, ठीक है जी? तो आप ये बताओ कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये चलाजल एंड है? बड़े ध्यान से सुनना भाई, ये चलाजल एंड है, नीचे वाला एंड कौन सा हो जाएगा? माइक्रोपाइट। फिर आप कहोगे सर बना नहीं है। अरे बना तो नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों ने हाइपोथेटिकली थोड़ा सा इमेजिन करना है कि यहाँ पर हमारे पास बीच में बिल्कुल ग्रुप ऑफ सेल है, डेट इज नोन एज पेरेन्काइमेटस सेल्स, न्यूसिल और साइड में इंटेग्यूमेंट भी बनना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रीमेटिव स्टेज में न्यूसिलस के बिल्कुल वो सेल्स जो माइक्रोपाइल एंड में है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होना है, ठीक है? तो क्या होगा भाई, अब सपोज करो कि हमारे पास ये वाली सेल, द सेल
विच इज प्रेजेंट एट ए माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ध्यान से सुनना, द सेल विच इज प्रेजेंट एट ए माइक्रोपाइलर एंड विल डिफरेंशिएट इनटू, किसके अंदर विल डिफरेंशिएट इनटू आर्चिस्पोरियल सेल, इसको मैं क्या बोलूंगा आर्चिस्पोरियल, इसको मैं कह दूंगा आर्चिस्पोरियल सेल। ये इतना सारा ग्रुप ऑफ सेल्स था, लेकिन यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पे ये सेल एक ही सेल होगी, डेवलप हो गई है आपकी किसके अंदर आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर, इसका क्या होगा डेंस साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म काफ़ी एक्टिव होगा एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट क्या होगा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई बताना एक बार जल्दी से बताओ बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैमरे क्वालिटी देख लो ठीक। ये जूम यहाँ से हो जाएगा, बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ओके ठीक है, देखिए भाई मैं ये कह रहा हूँ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल हमें बनानी है, न्यूसिलस वाला जो रीजन है वहाँ पर उसकी वो सेल्स विच आर प्रेजेंट नियर द माइक्रोपाइलर एंड गेट मॉडिफाइड इनटू द आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल्स का साइटोप्लाज्म डेंस होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, ये जो आर्चिस्पोरियल सेल होगी दो दो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, एक तो ये होगा कि आर्चिस्पोरियल सेल डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, एक तो ये हो सकता है कि जो आर्चिस्पोरियल सेल है वो डायरेक्टली बिहेव करे मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड करेगा एंड फॉर्म, डिवीजन का जो तरीका रहने वाला माइटोसिस है अभी, एंड फॉर्म पैराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल, ठीक है पैराइटल सेल मिलेगी और स्पोरोजिनस सेल्स। नाउ दिस स्पोरोजिनस सेल्स विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, ये किसकी तरह बिहेव करेगी डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, और जो पैराइटल सेल बनी है ये डिवाइड नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन प्रीमेटिव एंजियोस्पर्म के अंदर पैराइटल सेल्स डिवाइड करके पैराइटल टिश्यू सिस्टम बना लेता है, ठीक है प्रीमेटिव एंजियोस्पर्म कह रहा हूँ, जो पहले के एंजियोस्पर्म थे उसके अंदर, एग्जाम्पल हो जाएगा प्रीमेटिव एंजियोस्पर्म का कैसुअरीना, ठीक है कैसुअरीना इस केस के अंदर आप लोग पढ़ोगे, दैट इज ए प्रीमेटिव एंजियोस्पर्म जहां पर पैराइटल सेल्स डिवाइड करके पैराइटल टिश्यू बना लेती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनाएगी, तो पैराइटल सेल एक ही रहेगा और जो स्पोरोजिनस सेल्स है दैट विल डायरेक्टली बिहेव एज ए मेगास्पोर मदर सेल। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है सभी को, आर्चिस्पोरियल सेल बेटा ऐसा है, देखो आर्चिस्पोरियल आपकी स्पेशलाइज्ड सेल है, जो न्यूसिलस की जितनी भी सेल्स आपको नज़र आ रही हैं उनमें से न्यूसिलस का वो रीजन जो माइक्रोपाइलर एंड पे है, उस माइक्रोपाइलर एंड पे हाइपोडर्मल की सेल्स
अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है आर्चिस फोरियल सेल के अंदर। ये जस्ट एक नॉर्मल सेल ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ एडवांस मॉडिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। ये रैंडमली होता है, इसको आप डायरेक्टली याद ही कर लो तो बेटर रहेगा कि माइक्रोपाइलर एंड पे आर्चिस फोरियल सेल बनेगी, ठीक है, न्यूसिलस की सेल में से, और वो बिहेव करेगी डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह भी, या फिर वो डिवाइड करके पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल्स आपको प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको डायग्रामेटिकली कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होगा। अब बहुत ही सिंपल है कि इसको मैं एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि ये साइड वाली जो सेल्स हैं, इसको सपोज करो कि ये आपकी न्यूसिलस की सेल्स हैं, ये न्यूसिलस की सेल हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये भी न्यूसिलस वाली सेल है, ठीक है जी। और ये सेल आपकी कौन सी हो जाएगी? आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक। तो ये डायग्राम आपका सिमिलर हो गया। ये थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। साइड में आपको फिर से न्यूसिलस वाली सेल ही मिलेंगी। अब मैंने बताया था अभी आपको, ये डायरेक्टली बिहेव भी कर सकता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह, या फिर इसके पास टेंडेंसी होगी ये डिवाइड करेगा, ठीक है, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल के अंदर। ये वाली कंडीशंस कहां पर होगी? एट प्रिमिटिव स्टेज कह दो, या फिर प्रिमोर्डियल स्टेज। बोलो बेटा कोई डाउट है? नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा यहां से, इसको हम आगे लेके जाएंगे। ये डिवाइड करना है आर्चिस्पोरियल सेल्स को, तो आर्चिस्पोरियल की सेल्स जब डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके ये आपकी दो सेल्स बन जाएंगी। अगर आपको इसमें डिवीजन देखना है तो इसमें डिवीजन कौन सा होगा? पेरी क्लिनिकल डिवीजन होगा, यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन आप कह सकते हो, ऐसे डिवाइड करेगा ये, ठीक है। कौन सा डिवीजन हो जाएगा? पेरी क्लिनिकल डिवीजन, ठीक है। तो ये वाला डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन होने के बाद ये बन गया आपका पैराइटल सेल और ये बन गया आपका स्पोरोजिनस सेल। क्योंकि दो कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि भाई जो आपके पास आर्चिस्पोरियल है, एक तो ये सीधा है कि ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर सकती है, दूसरा ये है कि ये आपका पैराइटल सेल या डिवाइड होके स्पोरोजिनस सेल भी बना सकती है। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है कि ये आगे जाकर के इसको डिवाइड करना है मेगास्पोर मदर सेल को, और इसको क्या बना देना है? मेगा स्पोर्स बना देने। और मेगा स्पोर्स कितने बनेंगे? चार। डिवीजन का मेथड कौन सा रहेगा? मियोसिस। और चार जो बनेंगे आपके मेगा स्पोर, उसमें से तीन तो डीजनरेट हो जाएंगे और एक क्या रहेगा? आपका फंक्शनल रहेगा। उस डेवलपमेंट को हम लोग क्या कह देंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम उसको नाम देते। तो ये तो एक बिल्कुल डायरेक्टली मेथड हो गया, लेकिन ये वाली कंडीशन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में आप कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्चिस्पोरियल सेल्स, पैराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये स्पोरोजिनस सेल्स आपकी डिवाइड करेगी, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपके पास ये दो सेल्स बन जाएंगी। पैराइटल सेल्स को हम लोग इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। साइड में जो सेल्स आप लोग बनाओगे, ये आपकी कौन सी सेल हो जाएंगी? ये न्यूसिलस की सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली सेल्स कौन सी हो जाएंगी? न्यूसिलस की, ठीक। और यहाँ पर ये आपकी कौन सी है? पैराइटल सेल्स। ये हो गया। तो ये दोनों
अभी आपके बने हैं ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स, इसको आप लोग क्या कह दोगे, मेगास्पोर डाइड, इसको क्या कहोगे आप, मेगास्पोर डाइड कंडीशन। मेगास्पोर डाइड बनने के बाद मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, ठीक है। देखिए इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, क्योंकि ये रफ करना पड़ेगा, हमें फिगर आगे लेके जाना है। अब देखिए यहां से जो एक और फिगर आपका बनने वाला है, ये पहला फिगर बना आपका, ये दूसरा है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आपके जो ये दो सेल्स हैं मेगास्पोर डायड, ये फर्दर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके क्या बना देंगे, मेगास्पोर टेट्राड, 1, 2, 3 और 4। बाहर फिर से वही ये लेयर रहने वाली है म्यूसिलस सेल्स की, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप बना सकते हो। तो ये आपका पास जो फिगर आया है डेट इज ए मेगास्पोर टेट्राड, ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आया है, ठीक है। तो जो मेगास्पोर टेट्राड बनेगा उसमें से तीन क्या हो जाएंगे बेटे, 3 गेट डीजनरेट एंड 1 रिमेन फंक्शनल। एक इसमें से क्या रहेगा आपका, फंक्शनल रहेगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक क्या रहेगा आपका, फंक्शनल रहेगा। इसको हम लोग कह देंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यही आप लोगों ने करना है, डेट इज ए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 4 टेट्राड है, ठीक है, और इसमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट और एक क्या रहने वाला है, फंक्शनल रहने वाला है। डेट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगोनम डेवलपमेंट, इसको हम लोग पॉलीगोनम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। सो डेट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो दोबारा से देखेंगे आप एक बार, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि न्यूसिलस एट ए प्रीमोडियल स्टेज, वेरी फर्स्ट स्टेज पे उसकी एक सेल्स विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर रीजन्स मॉडिफाइड हो जाएगी किसके अंदर, आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर। और उस आर्चिस्पोरियल सेल्स का टेंडेंसी रहता है कि कई बार वो डायरेक्टली बिहेव करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और सेकेंड टेंडेंसी ये रहती है कि वो डिवाइड करके आपको दो सेल्स प्रोड्यूस करती है, फर्स्ट वन इज द पैराइटल सेल एंड सेकेंड वन इज द स्पोरोजिनस सेल। ओके, जो स्पोरोजिनस सेल्स है डेट विल अगेन डिवाइड, ये दोबारा से डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद मेगास्पोर डाइड आपको प्रोड्यूस करेगा, दो सेल्स मिल जाएंगी। मेगास्पोर डाइड बनने के बाद दीज विल फर्दर डिवाइड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड कंडीशंस। जैसे ही टेट्राड बनता है उसमें से 3 सेल्स आपकी क्या हो जाएंगी, डीजनरेट और एक क्या रह जाएगा, फंक्शनल। डैट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एंड डैट इज ए फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है बेटे। तो यहां तक आप लोग इसको देखिए, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए आप। बेटा पैरेन्काइमेटस सेल्स तो आपकी ये जो न्यूसिलस की सेल्स है ना, इनको ही हम लोग कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यू सिस्टम है तो यहाँ पर आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स ही देखने को मिलेंगी, ना कि सकलेरेन्काइमेटस, ठीक है। तो वो उस तरह की सेल्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स ही देखने को मिलेंगी और उन्हीं के अंदर मॉडिफिकेशन होना है। ओके, बाकी जल्दी से बताओ बेटा, इसको फिर हम लोगों ने फिनिश भी करना है।
हाँ जी बताइए बेटे, थोड़ा जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके थोड़ा सा फटाफट मुझे बताएं। ओके, तो इसमें कोई डाउट है? लास्ट में आपके पास देखिए बेटा फंक्शनल मेगास्पोर है। अब आप लोगों ने एक चीज़ डायरेक्टली याद करनी है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा ना, इसको सीधे याद कर लेना आप। ये आपका देखो, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन चार में से वो मेगास्पोर जो आपका कहाँ पर रहने वाला है, चलाजल एंड पर रहने वाला है, वो रहेगा आपका फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी के जो तीन हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्टली याद करो। तो हम अब इसको आगे कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मेगास्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मेगास्पोर कैसे बनता है। नंबर वन, मेगास्पोर को बनाने से पहले हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल बनी और मेगास्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से। मियोसिस हमें पता है कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, मेगास्पोर कितने बने थे, चार। चार में से एक क्या रहेगा, फंक्शनल। ठीक है, तो फंक्शनल वाला जो मेगास्पोर है, डेट इज जो बाकी के तीन हैं उसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये डिजनरेट हो गए आपके। अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि जो ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियाई डिवाइड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ